प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं? आपने एक बॉडी को लिया, एक बॉडी को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंक दिया, थ्रो कर दिया। वो जो बॉडी है वो कुछ देर सीधा भी चल सकती है, लेकिन अंडर ग्रेविटी आ जाएगी, ग्रेविटी का रूल है, उसको नीचे खींचेगी खींचेगी, तो अल्टीमेटली ये बॉडी आगे भी जाएगी और नीचे भी जाएगी और ऐसा पाथ फॉलो करेगी। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, पैराबोला। लेकिन अगर आप बॉडी को जैसे फुटबॉल को किक करते हैं, ऐसे किक करते हैं, फुटबॉल ऐसे जाती है, ये भी कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। तो इस बॉडी को जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है अंडर ग्रेविटी, कोई हम फोर्स नहीं लगा रहे, हमने लगा के छोड़ दिया एनर्जी को, तो अब क्या हो रहा है? अब वो अपने आप ही पैराबोला कवर कर रही है, पैराबोलिक पाथ कवर कर रही है। तो इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब वो मिसाइल भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, बॉल भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पत्थर है, ये बॉल है, नहीं, ये एक प्रोजेक्टाइल है। अब प्रोजेक्ट जिसको फेंका वो बॉडी इज अ प्रोजेक्टाइल। फिर उसके बाद वो पाथ जो फॉलो करती है वो क्या है? पैराबोला। इस चैप्टर में जो पाथ फॉलोड है इसमें पाथ नहीं बोलते, अब फिजिक्स में इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब लेवल है, ट्रेजेक्ट्री क्या है इसकी, आप बोलोगे पैराबोला, ठीक है? तो ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो मिसाइल फेंकने जा रहे हैं और हम कोई पायलट कूलर का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर, और ट्रेनिंग हो रही है, भाई देख तू जहाज उड़ाएगा ना, रॉकेट उड़ाएगा, तो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, इतने कॉन्टेंट पे हिट करेगा। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो ये ट्रेजेक्ट्रीज बनाते हैं वो लोग, मशीन्स ही बनाती हैं आजकल तो खैर, पर अदर उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट तो आता ही है उन लोगों को, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी विच वंस थ्रोन इन टू द स्पेस, फेंक दी बॉडी को विद सम इनिशियल वेलोसिटी, एक बार वेलोसिटी देके छोड़ दिया उसे, मूव देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अफेक्ट में मूव करती है आगे, अलोन अपने आप मूव करती है, विदाउट बींग प्रोपेल्ड बाई एनी इंजन या फ्यूल। तो कोई फ्यूल इंजन तो है नहीं, ग्रेविटी के अफेक्ट में अपने आप आगे मूव करती है। इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, एंड द पाथ फॉलोड बाई अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। बता दिया मैंने। हम इसमें एक्चुअल में तीन केस करते हैं। पहला केस हम करते हैं, मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल में किसी बॉडी को थ्रो करने के नॉर्मली तीन टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। पहला न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें, मतलब टाइप की अगर बात करते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बॉडी को सीधा हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, तो फेंका तो हॉरिजॉन्टल था लेकिन वो हवा में अंडर ग्रेविटी आ गई, तो हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो 2D मोशन नहीं हो गया, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ गिरने में अगर ये ओरिजिन है तो उसने एक्स कोऑर्डिनेट ये कवर किया और साइमल्टेनियसली उसने वाई भी कवर किया, ये मोशन इन 2D है, क्योंकि एक ही साथ वो एक्स भी, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें चेंज हो रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद तो इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन 1D नहीं, मोशन इन 2D, क्लियर है? या फिर आपकी बुक्स में इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, लिख लो मोशन इन अ प्लेन बुक के ऊपर लिख लो, मोशन इन 2D या मोशन इन अ प्लेन। प्लेन क्यों? क्योंकि कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो हम काम किस पे कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहे हैं, क्लियर है यहां तक? तो मोशन इन अ प्लेन। तो पहले टाइप की का जो प्रोजेक्टाइल हम स्टडी करेंगे वो ऐसा करेंगे, दूसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल हम ऐसा करेंगे, ऐसा कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, जैसे मिसाइल गिरते हैं, फुटबॉल गिरते हैं, तो यहाँ से चली पैराबोला कवर करती यहाँ गिर गई, ये स्टडी करेंगे। और तीसरा हम जो थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है तो स्टडी करते हैं कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से गिरा और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जाके गिरा, ये थोड़ा सा थर्ड लेवल में आता है, ठीक है? नॉर्मली दो लेवल आते हैं जो मैंने बताया, एक ये वाला लेवल है और एक ये वाला लेवल है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर आराम से बैठो और कुछ भी नहीं करना, आसान चैप्टर है। मेन चीज़ ये है, जब हम प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या मोशन करते हैं, हम एयर की रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते, हवा नहीं है, ठीक, क्योंकि एयर आ जाएगी तो एयर की फ्रिक्शन आएगी, हम लेते नहीं हैं। जब एक बॉडी को सीधा हॉरिजॉन्टल फेंका गया विद वेलोसिटी ऑफ 10, सीधा 10, मान लो ग्राउंड नहीं है, मान लो कि अर्थ ही नहीं है, हटा दो, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो क्या होगा? ये 10 10 10 10 के साथ मूव करता, खींचने वाला कोई है ही नहीं,
तो हमेशा टैंक के साथ ही मूव करता जाएगा, ये ऐसा ही होगा। लेकिन अर्थ है तो अर्थ से साथ साथ क्या करेगी, नीचे खींचेगी। अब मेरे को एक चीज का आंसर दो, एक बॉडी की वेलोसिटी 10 थी, वेलोसिटी बढ़ गई, अपने आप तो नहीं वेलोसिटी बढ़ गई ना, किसी ने क्या लगाई, फोर्स। अच्छा 10 वेलोसिटी से वेलोसिटी कम हो गई तो किसी ने क्या लगाई, फोर्स। वेलोसिटी जब कम या ज्यादा होती है तो फोर्स तो लगती है ना, या तो इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी या डिक्रीज करने के लिए वेलोसिटी। आप मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, कौन इसको तेज या स्लो कर सकता है बॉल को। ग्रेविटेशन तो ऐसे होती है, वाई में होती है, एक्स में क्या है, कुछ भी नहीं है, एयर लेनी नहीं, ग्रेविटी यहां पर होती नहीं, एक्स में ग्रेविटी कुछ भी नहीं। तो इसीलिए एक्स के अलोंग अगर उसकी वेलोसिटी शुरू में 10 थी तो वो आगे मूव करेगी, वो नीचे भी करेगी, तो आगे जाने की वेलोसिटी हमेशा हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम 10 10 10, जहां मान लो 10 10 10। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करते हैं, शुरू फिर से आ जाओ, वाई एक्सिस हमने उसको कैसे घेरा था बॉडी को, हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो फॉर अ फ्यू सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसे गई, हमने वर्टिकल तो नहीं घेरा था ना, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी क्या रही, जीरो। पर जैसे वो छूटी जीरो से, अर्थ के अफेक्ट में आ गई, तो वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग 2 3 4 5 करते करते 11। पुट आउट इसमें पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो वर्टिकल की वेलोसिटी जीरो से इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे इंक्रीज करेगी, पर एक्स में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी की वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहां तक, पहला पॉइंट समझ में आया, प्रोजेक्टाइल में एक्स के अलोंग वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, वाई के अलोंग हमेशा होती है, कि ग्रेविटी उसको इंक्रीज कर ही देगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर मैं इस बॉल को चलो ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकता हूं, तो मैंने बॉल को फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 60, तो इसके दो कंपोनेंट्स है किक मारते ही, एक 10 cos 60, एक 10 sin 60। तो इस बॉल की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है, 10 cos 60, और वर्टिकल में कितनी है, 10 sin 60। कोई डाउट इसमें, क्या इस स्टेप समझ में आ रहा है। तो जब मैंने इसको किक किया था तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो जब ये चली तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी 10 cos 60 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 10 cos 60, ये तो कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस में रोकने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं। अब वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में कितनी है, 10 साइन 60 को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 86.6, तो 86.6, तो वर्टिकल में वेलोसिटी विल डिक्रीज 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 डिक्रीज, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे होके कितनी, जीरो, क्योंकि ऊपर जाने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो कम 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 जीरो, फिर नीचे उतरेगी, तो इट विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। जैसे फिर देखो एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन किया, और ग्राउंड से ग्राउंड के प्रोजेक्शन में, ठीक है, ग्राउंड से ग्राउंड की प्रोजेक्शन के अंदर लेट अस सपोज ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में वो 10 है, y एक्सिस में कितनी है, 12 है, 10 है और 12 है, कॉम्पोनेंट ड्रॉ करने के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी ऐसे गई, तो x के अलोंग वेलोसिटी हमेशा हमेशा क्या रहेगी, 10 10 10 10 10 एंड 10, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, y के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 12 10 डिग्रीज डिग्रीज, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0, फिर इंक्रीज इंक्रीज, जो भी वैल्यू इंक्रीज, लेकिन फाइनली जिस फाइनली कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि ये आपने रूल सुना होगा मोशन के अंदर भी, अगर मैंने किसी बॉडी को 12 के साथ ऊपर फेंका वेलोसिटी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 वेलोसिटी, जब वापस हाथ में आएगी तो वेलोसिटी फिर से 12 ही हो जाएगी। तो ये याद रखना कि जब बॉडी को फेंका जाता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम, वर्टिकल वेलोसिटी कम 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 जीरो, इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है, तो अगर ये समझ में आ गया तो आधा प्रोजेक्टाइल तो हो गया।
ठीक, आपको के बस इतना सही है, यही कॉन्सेप्ट समझने का है इसमें। और एक चीज़ और समझने की है, वो भी समझा देता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया आपको सारे एग्जाम्पल, साथ में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, पर आपको जरूरत नहीं है करने की, मैंने बता दिया यहाँ पे कि प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन,